न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गाजियाबाद में आग बुझाने के लिए दमकल विभाग से गाजियाबाद नोएडा हापुड़ से गाड़ी मंगाई गई। लगभग 7 से 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल विभाग द्वारा चारों तरफ से आग को घेर कर बुझाया गया। आग बुझाने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आग को काबू कर लिया गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के हिंडन छठ घाट पर डीसीपी ट्रांस हिंडन ने छठ पूजा की तैयारियों व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। आज समय लगभग 16:03 में फायर स्टेशन साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई थी। एक कूलर बनाने फैक्ट्री है जो हर्षा कंपाउंड लोनी रोड में पड़ता मोहन नगर में, उसमें आग लगी हुई है। वो फैलते हुए दूसरे बगल की फैक्ट्री में भी लग गई थी। साथ ही वहाँ पे उनका एक कर्मचारी छत पर फंसा था। तत्काल हमारी साहिबाद से, कोतवाली से, वैशाली से और लोनी से घटनास्थल पर गाड़ियाँ भेजी गई। यहाँ के एक आदमी को ऊपर से पहले रेस्क्यू किया, साथ ही तीन तरफ से होश फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया गया। इस समय आग बुझाने की कार्रवाई प्रचलित है। अच्छा सर, लगभग 2 कंपनी में आग लगी बताया जा रही है, दोनों एक ही वाली की कंपनी है, ये अभी जानकारी की जा रही है। अच्छा सर, एक चीज़ जोड़ जाना चाहेंगे, जिस तरीके से आग लगी, अब तक कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को कितना कंट्रोल कर लिया गया? अभी लगभग 7 गाड़ियां हमारी घटनास्थल में मौजूद हैं, साथ ही नोएडा और हापुड़ से भी गाड़ियां रास्ते में हैं। और जो बेसमेंट में है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, ऊपर की लगभग कंट्रोल है। और जो भाईदूज के मौके पर विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौजूदगी में वैदिक विधि विधान से कपाट बंद किए गए। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में शिवलिंग की समाधि पूजा की गई। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली रामपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस साल रिकॉर्ड 16.5 लाख तीर्थयात्री सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ धाम पहुंचे। हिमालय की दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, आज भैयादूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के सिर कपाट बंद कर दिए गए। और प्रातः काल में भगवान का जो है महाभिषेक कर, भगवान का श्रृंगार कर, महाभोग लगा करके भगवान को समाधि पूजन करके समाधि में भगवान शिव इस जगत के कल्याण के लिए, इस शिव जगत के शिव भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला में तप में विराजन। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है, 6 माह तक नर पूजा है, 6 माह तक यहाँ पर मानव उनके द्वारा। अन्नकूट पर्व पर प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर के कपाट शीतकालीन यात्रा के लिए बंद कर दिए गए। भागीरथी और खीर गंगा के संगम पर स्थित थराली, जिसे श्याम प्रयाग भी कहा जाएगा, उसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। कल्प केदार मंदिर समिति के अधिकारियों के अनुसार मां गंगे के कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोले जाएंगे। इस साल लगभग 6 लाख तीर्थ यात्रियों ने मंदिर में दर्शन किए हैं। हर साल यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। माँ गंगे की डोली अन्नपूर्णा मंदिर से मुखवा मुखी मठ पहुंची, जहां भाई दूज के अवसर पर उनका स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने धूप बत्ती के साथ माँ गंगे का स्वागत किया और अब देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू कर दी गई है। इस मौके पर आर्मी बैंड के साथ पूजा अर्चना भी की गई। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर और श्रद्धालु दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। गंगा मैया की जय। आज भैया दूज के दिन माँ भगवती गंगा मैया की विकराल डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखीमठ मुखवा में पधार चुकी है और शीतकाल को समस्त देशवासियों से, विदेशियों से, सभी से हमारा अनुरोध होगा कि शीतकालीन यात्रा यहाँ प्रारंभ रहती है, किसी प्रकार की किसी को कोई असुविधा नहीं होगी और माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए आप देश विदेश से आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोल गंगा। वही ऋषिकेश में रेलवे रोड स्थित खंडर हो चुके सार्वजनिक शौचालय के परिसर में युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवा दिया। पंचायत नामे की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वही दूसरी तरफ ऋषिकेश में ही देहरादून रोड पर स्थित गुरुद्वारा सिंह साहब वाली गली में पिछले 6 महीने से लोगों को दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। जल संस्थान की अनदेखी से परेशान होकर निवासियों ने सीएम हेल्पलाइन में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मनोज डंग ने बताया कि पाइपलाइन से आ रहा पानी इतना गंदा है कि बाथरूम में भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लोग जल संस्थान की लापरवाही के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।
श्यामपुर में लोगों का गुस्सा शराब की अवैध बिक्री को लेकर फिर से फूटा है। क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में शराब की पेटियां पकड़ी गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। रेस्टोरेंट संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन लोगों ने पुलिस पर भी अवैध बिक्री में संलिप्तता का आरोप लगाया। क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री की शिकायतें लगातार मिल रही है। स्थानीय लोग जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय से कहूंगा कि एक दो साल से यहाँ पर अवैध तरीके से शराब बिकने का मामला यहाँ पर लोगों के सामने था और बार बार ऐसी शिकायतें आ रही थी। और आज ग्रामीणों ने इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ड्रग्स की भी बात आ रही, ड्रग्स भी बिकने लगी थी, तो ग्रामीणों ने यहाँ पर करा कि भाई आज इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का आज रखा था। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको सूचना लग गई थी कि यहाँ पर आज इस प्रकार से यहाँ पर शराब के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है, और वो अपने शराब का जखीरे को शिफ्ट करने के लिए उसने जब यहाँ पर गाड़ी लगा रहा था तो शिफ्ट कर रहा था, तो ग्रामीणों ने देख लिया और उसको मौके पर ही उसकी शराब पकड़ी गई। और आपने देखा ही पीछे यहाँ पर जो शराब की पेटियां फोड़ी गई है, और मुझे लगता है कि अंदर भी गोदाम इसका भरा हुआ है, निश्चित ही पुलिस वालों को। भाईदूज के मौके पर ऋषिकेश के रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे वो परेशान नजर आए। दीपावली और वीकेंड की छुट्टियों के बाद नौकरी पर लौटने वाली यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि बसों की कमी बनी हुई है। ऋषिकेश डिपो ने दिल्ली और देहरादून रूट पर कुछ अतिरिक्त बसें लगाई हैं, लेकिन यहाँ पर्याप्त मात्रा में ये नजर नहीं आई। यात्रियों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ा। हरिद्वार के चंडीघाट पर गंगा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि हुए। प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा शिव तांडव का पाठ करते हुए नजर आई। ये उत्सव गंगा के संरक्षण, सांस्कृतिक महत्ता, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया गया। बीएसएफ की महिला जवानों का राफ्टिंग दल भी इस अवसर पर रवाना हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। महोबा में 108 भगवान कृष्ण के मंदिरों को समेटे बुंदेलखंड के वृंदावन चरखारी में धार्मिक और ऐतिहासिक गोवर्धननाथ मंदिर में मेले का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ हुआ। 141 वर्ष पुराने एक माह तक चलने वाले सुप्रसिद्ध मेले में नगर पालिका द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराए गए। मेले मंदिर में स्थापित गोवर्धन पर्वतधारी भगवान कृष्ण संग राधा जी को स्थापित कर यजमान बने एमएलसी और विधायक ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मेले की शुरुआत की। इस मेले का धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है, जिसे देखने और समझने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ जुटती है। सांस्कृतिक और धार्मिक जो है चरखारी का, इसको 140 वर्ष 141वां हमारा मेला है पहले, और चरखारी में जो अभी तक जो कार्यक्रम होते आए हैं उसी हिसाब से हम उसको प्रोग्राम रखे गए हैं। तो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कुछ धार्मिक हैं, कुछ मंच से माध्यम से अच्छे कार्यक्रम रखे गए हैं, और इस साल कोशिश की है कि टूर्नामेंट भी हम हॉकी का करा सकें। महोबा में थाना कबरे क्षेत्र के ग्राम बमहोरी निवासी अरविंद श्रीवास की 30 वर्षीय पत्नी मालती ने अपने पुराने मोबाइल को सही कराने को अपने पति अरविंद से कहा। उसी दौरान पति ने मोबाइल को तोड़ दिया, जिससे नाराज होकर मालती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। मालती की हालत को देख उसके परिजनों के इदारों से गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी घटना थाना खन्ना क्षेत्र के ग्राम मबई खुर्द की है, जहां के निवासी सूरज यादव की 40 साल की पत्नी आशा ने पारिवारिक कलेश के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई। महिला की हालत को देख उसे परिजन के द्वारा उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर की देखरेख में उसका भी इलाज किया जा रहा है। कायमगंज के मोहल्ला जटवारा में वृद्ध अशोक पालीवाल का खून से लथपथ शव उसके घर पर मिला। अशोक मुरादाबाद में परिवार के साथ रहता था, जबकि कायमगंज में अकेले रहता था। उसने नौकर अनिल ने जब फोन नहीं उठाया तो घर जाकर देखा और शव की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तमंचा बरामद किया है। शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 7 बजे करीब लगे हुए थे, तब देख के हमने चाय चलने जाते हैं, जब खुद फोन करते थे आ जाओ चाय बनावा है कि हम जाते ना चाय पे आ जाइए, तो आज इन्हें फोन ही ना करो मेरे पास। तो 7 बजे हमने कॉल लगाते रहे, हमने चाचा चाचा तो देखो चाचा सब बैठे थे बीड़ी पीते थे, हमने देखो कोई आई ना रहो के बार भी लगे मतलब, तो हमने देखिए और से इधर उधर देख के आए, कोई दिखाई नहीं पड़ा मुझे, हमने पता नहीं अभी तक टहरी नहीं आई, तो हमने और पड़ोस वाले पूछी हमने चाचा नहीं आए अभी तक कहाँ गए, तो जो बोले आ रहे हो टहल के टहलते हैं ले ली, तो पूछ के हमने देखा इधर हम यहाँ पे आए, तो मैंने देखा यहाँ पर हमारी जी तो खत्म हुए पड़े, तो हम उन्हें भैया उनके जानते हैं, उन्हें दरवाजे तो बंद मिले या खुले मिले थे? खुले पड़े वो।
भाई के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना अमूमन हर बहन करती है। बचपन से जिंदगी भर साथ रहने वाले भाई बहन से जुड़े दो त्योहार हर साल आते हैं, रक्षाबंधन और भाई दूज, जिसमें भाई बहन से रक्षा का वचन लेती है और उसके जीवन में खुशहाली आए इसकी कामना करती है। इस मौके पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं, उनकी आरती उतारती है, सुखमय जीवन की प्रार्थना करती है। त्यौहार पर एक दूसरे पर को मीठा भी खिलाया जाता है और भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देकर अपना प्यार व्यक्त करते हैं। अलीगढ़ की विधानसभा 71 में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में धारा 144 का खुला उल्लंघन हो रहा है। प्रत्याशी बिना किसी रोक टोक के वाहनों के काफिले के साथ घूम रहे हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हैं। खैर से 15 किलोमीटर दूर एक पार्टी कार्यालय में भीड़ जुटी हुई है, जो चुनावी नियमों की अवहेलना को दर्शाती है। समाजवादी पार्टी भी अपने ओछे दावों से इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। स्थिति प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। हर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने अपनी हैट्रिक रणनीति से अन्य दलों को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 से 8 नवंबर के बीच युवा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा और रोड शो का इरादा बना लिया। क्षेत्र में 1,10,000 से ज्यादा जाट, 60,000 ब्राह्मण, अन्य समुदाय के वोटों के साथ भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी का कोई खास वर्चस्व नहीं है। देखना होगा कि जीत का सहरा किसके सर बनता है। माहौल की है कि दोनों ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी एवं बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी आउट ऑफ स्टेशन के, मेरे विचार से अगर दोनों ही पार्टी चप्पल साइड से या खैर व्यक्तिगत खैर से अगर नाम चुनाव लड़ाती तो बहुत ही सरल होता, लेकिन इस टाइम कुछ जातों जाट समाज का और दलित समाज का, ये दोनों का मुकाबला बहुत ही कठिन है। भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जी करीब करीब 1,00,000 वोटों से जीतेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि जनता की आवाज़ है, सब नया प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है, कोई विरोध नहीं है, बढ़िया परिवार से है, इसलिए जीत रहा सब। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।